खंडवा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक नए प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन किया। 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लेटफॉर्म के बाद खंडवा रेलवे जंक्शन अपग्रेड हो जाएगा। दिल्ली मुंबई ट्रैक का महत्वपूर्ण खंडवा रेलवे स्टेशन 4 रेलवे डिवीजनों का संगम है, इसी कारण इसे अपग्रेड करने की निहायत आवश्यकता थी। इसी के साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए नव निर्मित यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। खंडवा के विधायक, महापौर, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और खंडवा के नागरिक गण मौजूद रहे। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने रेलवे के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि खंडवा से इंदौर मीटर गेज लाइन थी, जिस पर पुराने समय की ट्रेन दौड़ती थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद खंडवा इंदौर अकोला लाइन ब्रॉड गेज कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें खंडवा से इंदौर के बीच काम भी चालू हो गया है। खंडवा में क्या क्या हो रहा है, रेलवे के माध्यम से क्या क्या चल रहा है, खंडवा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर का विस्तार, नवीन साइकिल स्टैंड, चार पहिया वाहन स्टैंड, जिसको भी बनाया गया है 280 लाख रुपए के लागत से, 2,80,00,000 रुपए के लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य चल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र को हजारों करोड़ की सौगातें मिली है। छठवां प्लेटफॉर्म बन रहा है और लगभग पूरे रेलवे स्टेशन पर 20 करोड़ रुपए के लगभग के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं, और उस पार भी टिकट विंडो बनने जा रही है, उधर भी यात्री प्रतीक्षालय बनेगा। दोनों दिशाओं से हमारे खंडवा के नागरिक रेलवे स्टेशन पे प्रवेश कर सकेंगे, और ये ब्रॉडगेज के बाद तो खंडवा तरक्की की उड़ान भरेगा। आया वो तो कर्ज माफी नहीं, फर्जी माफी है वो। अब उनके पास विकास के कोई साधन नहीं है, तो वो ट्रांसफर में ही कबड्डी खेल रहे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में एक दीवार के पीछे मूल ज्योतिर्लिंग होने के अनुमान